हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इंटेंसिव स्टडी। टुडे आवर टॉपिक इज नाउंस। आज हम नाउंस करने वाले हैं। नाउंस को हम हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा, यानी जिसकी आपने परिभाषा पढ़ी होगी, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। उसी तरीके से इंग्लिश में भी इसका डेफिनेशन सेम है। देखिए, मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता देती हूँ कि एवरी नेम इज अ नाउन। कोई भी नाम हो, चाहे वो किसी पर्सन का नाम हो, किसी प्लेस का नाम हो, किसी थिंग का नाम हो, किसी क्वालिटी का नाम हो, कंडीशन हो, जैसे सिकनेस है, फीवर है, इस तरीके से ये कंडीशन, ये अवस्था भी नाउन होता है। एक्शन, तो अगर कोई एक्शन लिया गया है, जैसे एंगर, मूवमेंट, ये जो है ये सब नाउन है। तो अब हम इन्हीं वर्ड्स को यूज करके इसकी एक डेफिनेशन बनाते हैं। अ नाउन, नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। अब ये नाउन की एक कंप्लीट डेफिनेशन है। आप चाहें तो इतना भी बोल सकते हैं, नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। और अगर आप अपने नॉलेज को एनहांस करना चाहते हैं, फुल डेफिनेशन लिखना चाहते हैं, तो आप लिख सकते हैं अ नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। अब पर्सन में किसका नाम हो सकता है? जैसे आप अपना ही नाम लिख सकते हो, और जैसे किसी का भी नाम है, जैसे मुकेश है, रोहन है, किसी का भी नाम हो, किसी भी व्यक्ति का नाम हो, रिया, ये सब क्या हो गए? पर्सन के नेम हो गए। ठीक है, इसके बाद है प्लेस। प्लेस में क्या, जैसे दिल्ली, इंडिया, अमेरिका, ये प्लेस के नेम हो गए। इसके बाद है थिंग, कोई भी थिंग। थिंग मतलब क्या? वस्तु, कोई भी वस्तु, उसका नाम भी एक नाउन होता है, जैसे पेन, पेपर, बुक, फैन। नेक्स्ट है क्वालिटी, कोई भी क्वालिटी हो सकती है किसी व्यक्ति की, जैसे ऑनेस्टी, ईमानदारी, ये एक क्वालिटी है। और ब्यूटी, ब्यूटी भी एक क्वालिटी है, तो ये भी नाउन है। नेक्स्ट है कंडीशन। कंडीशन क्या हो गई? जैसे किसी की अवस्था, जैसे कोई किस कंडीशन में, इलनेस की कंडीशन में, बीमारी की अवस्था में है, या फिर सिकनेस में है, बीमार है, दोनों का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम है, सिकनेस में है। लास्ट वन इज एक्शन। जैसे आपने कोई भी एक्शन लिया, जैसे आपने मूवमेंट किया, कोई मूवमेंट, ये वर्ड भी एक नाउन है, कोई मूवमेंट लेना भी एक नाउन होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। आप इस वीडियो को जितना लाइक करेंगे, उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं इसके दूसरे पार्ट भी लेके आऊँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।